और देखिए जयपुर में सज चुका है जड़ाऊ गहनों और रत्नों का संसार और यहाँ सीतापुरा स्थित JECC में जस 2024 कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को, सुनते हैं जरा। मंच पर विराजमान लालपुरा से हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती कल्पना देवी जी, इसके जेम्स के चेयरमैन भाई प्रमोद डेरेवाला जी, भाई निर्मल जी आडिया साहब, आलोक जी सौंकिया साहब, राजू जी मंगोड़ी वाला, उपाध्यक्ष नीरज जी लूनावत, सचिव अशोक माहेश्वरी जी, नरेश अग्रोया जी, अजय गोदा जी, गोविंद अग्रवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी ज्वेलर्स बंधु, मीडिया के मेरे भाई और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिए जयपुर की एक पहचान है, जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन को मैं साधुवाद भी देना चाहता हूं और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए, एक सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों जयपुर जवाहरात के नाम से जाना जाता है, ज्वेलरी के नाम से जाना जाता है और जयपुर की पहचान आज की नहीं है, राजस्थान की पहचान भी ज्वेलरी को लेकर के आज की नहीं है। मुझे याद है कन्हैयालाल सेठिया जी की कविता, धरती धौरारी की पंक्तियां याद आ जाती आती हैं, जिसमें उन्होंने जयपुर को नगरों की, जयपुर नगर को नगरों की पटरानी कहा था और जयपुर की ज्वेलरी और स्टोन इस पटरानी की शोभा और बढ़ा देते हैं। जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में रत्न व्यवसाय यहाँ के कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। राजस्थान का इतिहास जितना पुराना है उतना ही हमारे आभूषणों का भी इतिहास है। इतिहास में अगर आप देखेंगे हनुमानगढ़ में कालीबंगा की प्राचीन सभ्यता की खुदाई में भी यहाँ काली चूड़ियां और जवाहरात से बने हुए इस तरह के उस समय के खुदाई में सामान निकला था। इसका मतलब हमारे राजस्थान की यह परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ आभूषणों बनाने की परंपरा भी पुरानी है, आज भी आभूषण हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। खुशी का कोई भी मौका हो तो निश्चित रूप से जिस खुशी का अच्छा मौका आता है उसमें आभूषण और शादी विवाहों के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, तीज त्योहारों पर, ये जो कार्यक्रम हमारे होते हैं ये हमारे इससे सभी जुड़े हुए होते हैं और इसकी जिस तरह से हमारे ज्वेलर एसोसिएशन, हमारे आभूषण केवल सौंदर्य की वस्तु ही नहीं है बल्कि इनका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है और सांस्कृतिक सामाजिक महत्व होने के कारण हमेशा इनको हम जिस तरह से शादी विवाह के मौके होते हैं उनका तो करते हैं लेकिन हमारा ये धन भी है और इसकी परंपरा ये रही है। आज जिस तरह से कोई भी सरकार हो जो उस रुपए का मूल्य होता है वो सोना और ज्वेलरी के आधार पर होता है, इसी तरह से हमारे प्रत्येक घर में यह आवश्यक था कि उसका उपयोग करते समय उसकी आवश्यकता समझते थे, एक्स्ट्रा मनी आती थी उसका हम उपयोग करते थे, घर में उसका उपयोग होता था, हमेशा उसको
घर की जड़ मानी जाती थी। कहते थे ये हमारा जो आभूषण है, ये हमारी ज्वेलरी है, ये हमारे घर की जड़ भी है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ये जड़ काम आती है। और इसलिए हमारे पूर्वज जिस तरह से इसका नाम दिया है और जिससे करते हैं और वो घर में रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है और ये हमेशा समृद्धि का प्रतीक रहा है। और समृद्धि का प्रतीक इसलिए कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में बहुत बड़ा महत्व इनका होता है। गुलाबी शहर जयपुर अपने शानदार महलों और किलों के साथ ही अपने आभूषण के लिए भी जाना जाता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा जयपुर और राजस्थान के अंदर आभूषणों का जो चलायमान है, और ये जयपुर से और राजस्थान से जो दुनिया के लोग आते हैं, पूरे देश में से भी आते हैं, और अब तो आपका ये दुनिया में भी फैलने लगा है। आप देखते हैं पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन हमारे राजस्थान को देख करके, हमारी संस्कृति को देख करके दूसरे देशों को भी लगने लगा है। वो भी पहले देखते थे, अब आते थे विदेशी, उनका इतना झुकाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका भी झुकाव बढ़ा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस राजस्थान के आभूषण उद्योग को का हृदय कहें तो एक गलत नहीं होगा। ये आभूषण उद्योग का राजस्थान हृदय है, इसे कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जौहरी बाजार कहीं नहीं मिलेगा, राजस्थान के जयपुर में ही है। और अभी मेरे से बात कर रहे थे अभी ओंकिया जी, और आप कह रहे थे कि हमारा यही हम जौहरी बाजार बना रहे हैं, ये आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप चिंता मत करिए, और भी काम होने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा और आने जाने की सुविधा भी आपको मिलेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं, जयपुर के आभूषणों की ये पहचान आप लोगों ने, कुशल कारीगरों ने दिलाई है। यह पहचान हमारी और बढ़नी चाहिए। जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाए गए आभूषण दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और शिल्पकारी से जाने जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का काम नहीं पड़ता है। अब कहते हैं ना, हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है, बाकी का तो उसको सबको वो ही लगता है। आप जो दे देंगे वो विश्वास बहुत बड़ा होता है। आपने जो कह दिया और आपने जो दे दिया, वो विश्वास इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति उस विश्वास के भाव से चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जितना विश्वास है, और आप लोगों ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विश्वास चल रहा है, क्योंकि देखते हैं, सही कह रही थी कल्पना जी कि कोई ना कोई परिवार जो जुड़ता है, वो एक परिवार आपसे नहीं जुड़ता है, एक पीढ़ी नहीं जुड़ती है। हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पांच पीढ़ी, छह पीढ़ी, सात पीढ़ी लगातार चलती आ रही है, और वो आपसे इसलिए जुड़ी हुई है कि वो आपके अंदर वो विश्वास है और आप पर उनका विश्वास है। लगातार कोई दूसरे जाता है, एक सामान ले आता है, अगर भूल से किसी से, तो दो दिन में, चार दिन में, छह दिन में वो आपके पास आ जाता है कि देखिए साहब, हम वहां गए थे, ये लेके आए थे, आप देख तो लो ये कैसा है, हम तो जानते नहीं है। तो उसको इतना विश्वास है कि बाहर से भी अगर कहीं वो लेकर के आएगा, और जो हमारा शुरू से हमारे विश्वास के अंदर पीढ़ियों से जो हमारा ज्वेलर चल रहा है, सुनार चल रहा है, उसको दिखाने जरूर वो आएंगे कि आप इसको देखिए साहब, वहां कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं गलत दे दिया हो। तो इतना बड़ा विश्वास आपके ऊपर होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए, इस विश्वास को ठीक प्रकार से रखने के लिए हम सबको बहुत बड़ा विश्वास दिलाना पड़ता है, और उसी विश्वास से आगे हमारा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम होता है। मैं एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत जयपुर में रत्न आभूषणों को चिन्हित किया गया है। हमने जहां सभी जिलों में, हम अभी देख रहे हैं कि कौन से जिले में क्या उत्पादन होता है, उसको अलग उस जिले में बढ़ाते हुए उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए। मैं आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह उद्योग बहुत बड़ा है, और उद्योग बड़ा है, यह उद्योग दुनिया में भी जाने वाला है, यह राजस्थान की और जयपुर की पहचान भी बनाने वाला है। हम आपको जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे,
हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है, आपके उद्योग के साथ है। लेकिन हम आपसे इतना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इस उद्योग को बढ़ाना है, क्योंकि यह ऐसा उद्योग है, ये हमारे पर्यटन से जुड़ा हुआ भी है। राजस्थान के अंदर आने वाला पर्यटन, जब हमारे ये उद्योग विकसित होगा तो वो निश्चित रूप से आएगा। और ये मार्केट जब डेवलप होता है तो मार्केट में ये नहीं कि एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान यही चलनी चाहिए। अगर आपकी 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 दुकान भी होंगे, वो मार्केट भी उतना ही चलता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उन लोगों को आगे बढ़ाते हुए इस हुनर को बताया जाए, कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाए। और कारीगरों को यह भी देखना है कि वो आपके परिवार से, आपसे, आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस व्यवसाय में हमको तो फायदा मिल रहा है लेकिन हमारा वो छोटा भाई जो काम कर रहा है, हमारे उद्योग से वो जुड़ा हुआ है, क्या उसके परिवार पालने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? क्या उसको हम इतना दे रहे हैं कि वो अपने परिवार को ठीक प्रकार से पढ़ा सके, ठीक प्रकार से अपनी उधर पूर्ति कर सके, वो परिवार ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके? ये भी हम आपको देखना है, और उसको देखते हुए इस उद्योग से भी जोड़ना है, उद्योग को आगे भी बढ़ाना है। और हमने आने वाले उस परिवार को, उस परिवार को हमें सहारा भी देना है, और आने वाले समय में उनका बच्चे भी अगर उस व्यवसाय में पढ़ेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम उसमें होगा और उनको भी रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर उनको भी बढ़ेंगे। और आपके माध्यम से राजस्थान के अंदर और जयपुर के अंदर एक अच्छा काम होगा, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। आभूषण उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सहारा है। आज ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजक बन गया है। इस उद्योग से लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान से कुल निर्यात लगभग 83,704 करोड़ रुपए का हुआ है। बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा व्यापार इसके आधार पर हुआ जिसमें रत्न आभूषणों की हिस्सेदारी 11,183 करोड़ रुपए की रही है। यह बहुत बड़ा काम राजस्थान के और जयपुर के अंदर हुआ है। आभूषण उद्योग पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि विदेशों से बहुत से लोग यहाँ आभूषण खरीदने आते हैं। आपने कहा, सही कहा, निश्चित रूप से आने वाले समय में इंटरनेशनल फ्लाइट का भी हम यहाँ हमारे इसको एयरपोर्ट को बड़ा बना करके इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट आए, जिससे कि आने वाले लोग यहाँ सीधे जयपुर आए और अपने आभूषण का जो उनका व्यापार है उसको बढ़ाने का काम करें। प्रदेश में होने वाले निर्यात में भी रत्न एवं आभूषणों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने सोने के आभूषणों के लिए हॉल मार्किंग को अनिवार्य बनाया, जिससे आभूषण उद्योग मजबूत हुआ है। हॉल मार्किंग ऐसा पैमाना है जिसे लोग खुद चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, आपकी पहचान उसमें होती है और तब जयपुर की पहचान उसमें जाएगी। और एक अच्छा काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्योग भी उसमें बढ़ेगा। प्रदेश में हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आभूषण क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को व्यापार करने में आसानी हो, ताकि इस क्षेत्र से जुड़े सभी उद्योग ईमानदारी और कुशलता से अपना व्यवसाय कर सकें। हमारी केंद्र की सरकार के साथ मिलकर जेम्स एफ ज्वेलरी पार्क स्थापित कर 1,00,000 लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करने का संकल्प लिया है। आपका ये भी काम जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएगी। आभूषण क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने कारीगरों को मजबूत बनाना होगा। इस क्षेत्र में शोध एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देना होगा। इसमें क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं? हमारा ये आभूषण परंपरागत है, लेकिन नई तकनीकी इसमें क्या आ सकती है, इसको और हम बढ़ाने का काम करें। इससे हमारे स्वरोजगार मिले, हमारे रोजगार के अवसर मिले, आने वाली पीढ़ियों को अच्छे अवसर इसमें मिल सके। मुझे विश्वास है कि ये बिजनेस टू बिजनेस सम्मेलन आभूषण क्षेत्र से
जुड़े उद्यमियों को एक सूत्र में बांधकर इस उद्योग को नई ऊंचाई देंगे। और आपने जो ये यहाँ जिस तरह का कार्यक्रम रखते हैं, इससे बाहर से आने वाले हमारे सभी व्यापारी, दुनिया में हमारी पहचान इससे बढ़ेगी। निश्चित रूप से इसमें राजस्थान में और हमारे जयपुर में एक अच्छा काम आप सभी के सहयोग से मिलकर के होगा। मैं आप सभी को इस मौके पर, आपने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, आज काफी दिन से राजू जी ने कहा कह रहे थे, लेकिन मेरा बजट का समय चल रहा है इसलिए समय नहीं निकल पा रहा था, लेकिन ये माने नहीं, कल्पना जी ने भी कल कहा मेरे को विधानसभा में परसों कि नहीं नहीं आप उसमें आना है। मैंने कहा मैं देखता हूँ, लेकिन और तीन चार जगह से कई फोन आए कि नहीं आपको जाना है, तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से जब इतना है तो मैं आपके बीच में जाऊंगा। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं आप सभी को, देखिए हम इस देश के और प्रदेश के नागरिक हैं, हम हमारे नागरिक होने का कर्तव्य को भी हमें ध्यान में रखना है, और वो ये ध्यान में रखना है कि हमारे इस व्यवसाय से, हमारे इस काम से हमारा परिवार तो पल रहा है, लेकिन हम ऐसे कितने परिवारों का सहारा बन सकते हैं। अभी मेरे को बता रहे थे कि मेरे यहां 1500 लोग काम करते हैं, 1500 लोग काम करते हैं, अब आप देखिए 1500 लोग काम करते हैं, 1500 के परिवार में खुशियां लाने का काम आप लोग कर रहे हैं, आपके माध्यम से कितने लोग काम कर रहे होंगे उनके परिवार की खुशी आपके ऊपर होती है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें। हम उनको जो अंतिम पंक्ति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति को किस तरह से हम सहारा बन सकते हैं, हो सकता है वो आपका इंतजार कर रहा हो, ईश्वर ने उसके निमित्त आपको बना करके भेजा है कि आपके माध्यम से वो परिवार सुखी रहे, वो परिवार खुशी रहे, इस तरह से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का काम करें। हमारी केंद्र और राज्य की जो हमारी योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से भी हम बढ़ने का अवसर दें, और ऐसे लोग जो इन योजनाओं से वंचित हैं उनको इन योजनाओं का लाभ भी मिले, ये भी हमें ध्यान में रखना है। हमारे उस अपार्टमेंट में, हमारे मोहल्ले में, हमारे बाड़ में ऐसे कौन कौन से लोग रहते हैं, हमारे घर में काम करने वाली महिलाएं, हमारे घर में काम करने वाले हमारे ऐसे जो हमारे भाई हैं, उनके परिवार को भी हमें संभालना है। हम सभी जब परिवार को संभाल करके चलेंगे तो हमारा राजस्थान भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हम विकसित भारत के लिए, विकसित राजस्थान के लिए जो हमारे मन में कल्पना है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के सुझाव हमने आप सभी के आमंत्रित किए हैं। निश्चित रूप से उन सुझावों के आधार पर हमारे राजस्थान को हम विकसित राजस्थान, एक मजबूत राजस्थान बनाने की जो कल्पना है उसे लेकर के हम सभी आप आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें कही, उन्होंने कहा कि जयपुर की ज्वेलरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और किस तरीके से इस कारोबार को बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर हम सुझाव भी मांग रहे हैं। जयपुर में बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित JECC में जस 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से 7 जुलाई तक यह आयोजन है जिसमें शिरकत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। खास यह है इस कार्यक्रम की बात, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, मेरठ जैसे शहरों से भी एग्जीबिटर्स इसमें भाग ले रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से 7 जुलाई तक यह आयोजन रहने वाला है। तो अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग वैरायटी की यहां पर ज्वेलरी आपको देखने को मिलेगी। सात जुलाई तक इसका आयोजन होने वाला है। जयपुर के कारीगरों की बेहद महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया। 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम रहेगा।
सीतापुरा स्थित JECC में जस 2024 उद्घाटन हो चुका है। संबोधन मुख्यमंत्री का संपन्न हो चुका है। हालांकि इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि पहले भी मुझे आमंत्रित किया गया था लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं ज्यादा समय यहां पर नहीं दे पाया हूं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की। जो लेटेस्ट ज्वेलरी के डिजाइन है वो यहां पर इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगे। एग्जीबिटर्स जो अलग अलग जगहों से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराया है, 275 कुल मिलाकर बूथ यहां पर हैं। रंगीन रत्न और खूबसूरत आभूषण वहां पर देखने को मिलेंगे। आकर्षण का केंद्र वो रहेगा सीतापुरा स्थित JECC में जस 2024 के कार्यक्रम की तस्वीर आपके सामने। और यहां पर बुक की लॉन्चिंग भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। अब क्या ये बुकलेट है जिसमें अलग अलग डिजाइंस ज्वेलरी के होंगे या फिर इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां भी होंगी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, इस प्रदर्शनी से जुड़ी हुई। एग्जीबिटर्स अलग अलग जगहों से इस कार्यक्रम में, इस प्रदर्शनी में